धम्पक गाथा कथा 13-14। ये जो कथा है, कहानी है, ये है भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई, यानी कि जो उनकी मौसी के लड़के और उनके पिता के जो पुत्र थे, जिनका नाम नंद था। नंद उनके छोटे भाई थे। ये कहानी उनकी है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा इसलिए शिक्षाप्रद है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना कल्याण किया, अपने परिवार का भी कल्याण किया और पूरे संसार का कल्याण किया। देखने में ये थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगता है, खासतौर से आज के परिदृश्य में, आज की तस्वीर के हिसाब से, मगर उस समय ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। भगवान बुद्ध जब धम्म प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके पिता ने उनको कपिलवस्तु आने के लिए निमंत्रण भेजा और बहुत सारे लोग भेजे। जो भी लोग जाते थे वो वहीं रह जाते थे और वहीं वो प्रवज्जित हो जाते थे और वहीं वो धम्म सीखना शुरू कर देते थे। लास्ट में उन्होंने उनके बहुत प्रिय मित्र को भेजा, उदाई को, और वो उनको वहाँ लाने में कामयाबी रहे। जब उन्होंने वहाँ आने के लिए कहा तो उस समय का जो सीन है वो बहुत कमाल का इसलिए है क्योंकि जो तेरस थी, तेरस का मतलब है जो अमावस से दो दिन पहले की रात थी, अंधेरी रात थोड़ी सी, उसको धन तेरस के नाम से बोलते हैं। धान तेरस यानी कि धानों की फसल आने वाली है, आ चुकी है, और उसको वहाँ धान को इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भिक्खु भगवान के साथ आने वाले हैं। और जो अगला दिन है वो 14 है, उसको काली 14 बोलते हैं, काली 14। और उस दिन वो सारे पकवानों को बनाते हैं, उनको चेक करते हैं क्योंकि भिक्षुओं के लिए भोजन कराना है, घर को लीपते पोतते हैं और छोटे छोटे दिए रास्तों में जलाते हैं। और अगले दिन जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु आते हैं तो वो कपिल वस्तु में धम्म का इतना प्रकाश फैलाते हैं कि चारों तरफ वहाँ प्रकाश हो जाता है, उसको धम्म प्रकाश उत्सव बोलते हैं, जो आज की भाषा में, आज के तारीख में उसको दीपावली बोलते हैं, यानी कि दियों की लड़ी या दियों की पाली। उसके बाद जो दिन आता है वो आता है भयदस्सी। भयदस्सी का मतलब है कि जब वो धम्म सिखाते हैं कपिल वस्तु के लोगों को तो उनका भय दिखाई देता है और भय दूर होना शुरू हो जाता है, इसको भयदस्सी बोलते हैं। बाद में इसको भैया दूज के नाम से बुलाने लगे। और उसके बाद जो दिन आता है उसको बोलते हैं गौतम धम्म दिवसो, जिसको बाद में गोवर्धन करके बोला गया, गौतम धम्म दिवसो। और छठे दिन वो जाने का अनाउंस करते हैं कि हम चले जाएंगे, क्योंकि 7 दिन वो वहाँ रहे थे, तो छठे दिन को वहाँ छठ बोलते हैं। और बाद में छठ पे उनको देने के लिए जो नेचुरल साग सब्जी और फल थे वो लोग सारे उमड़ गए और उन्हें इकट्ठे किए और 7वें दिन वो वहाँ से चले गए। ये सारा वृत्तांत और सारा घटनाक्रम इतना कमाल का है कि तब से लेके अब तक पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है और इसको दीपावली, धनतेरस, धन और गोवर्धन, इन सब के नाम से प्रचलित है। जबकि पाली के ये नाम जो मैंने अभी आपको बताए, ये नाम सारे के सारे पाली में दिखाई देते हैं और ये सारा वहीं से है, उससे पहले कहीं इसका जिक्र भी नहीं आता है। तो हुआ यूँ कि जब तीसरा दिन था, क्योंकि भगवान बुद्ध अब कपिल वस्तु गए हुए हैं और उन्होंने बाहर एक बगीचे में अपना डेरा डाला हुआ है, सारे भिक्षु शहर के बाहर रहते हैं कपिल वस्तु के बाहर, तो तीसरे दिन वहाँ जाते हैं तो जो शुद्धोदन है वो ये समझते हैं कि भाई मेरा बड़ा बेटा भी आया हुआ है, बेशक वो प्रवज्जित है, बुद्ध हो चुका है, मगर छोटे भाई के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना नंद की शादी कर दी जाए। और वो नंद की शादी तय करते हैं, लगभग उनको आए हुए तीसरा दिन है। तो शादी होने के लिए मंडप में जो उनका घर है वहाँ तैयारी चल रही हैं। भगवान बुद्ध अपने पूरे भिक्खु संघ के साथ वहाँ आते हैं, वहाँ आके अपना धम्म का प्रकाश देते हैं, धम्म के उपदेश देते हैं। उसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद में जब वो वहाँ से चलते हैं तो वो जान बूझ के नंद के हाथ में अपना पात्र, यानी चीवर पात्र, भिक्षा पात्र जो होता है, भिक्षा पात्र दे देते हैं। वो भिक्खा पात्र जो उनको देते हैं, भिक्खा का बर्तन जो एक कटोरा सा होता है छोटा सा, तो नंद उसको, क्योंकि नंद के बड़े भाई हैं, अब तो बुद्ध भी हो गए हैं, तो नंद कुछ नहीं कहते और उसको रखते हैं। वहाँ से भगवान बुद्ध सीधे उठते हैं और वापस चलने लगते हैं, भिक्खु संघ पीछे पीछे। अब नंद पेशोपस में पड़ गए और वो भी भगवान के पीछे पीछे, क्योंकि पात्र देना है। भगवान ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और वो सीधे सीधे अपनी गति से चलते रहे, सारा भिक्खु संघ चलता रहा। चलते चलते जो शुद्धोदन का घर था, जो बुद्ध का पहला घर था, वो बाहर निकल जाते हैं, तो सारी भीड़ उनके पीछे चलती है।
जिस कन्या से उनकी शादी होने वाली है नंद की, वो बहुत सुंदर है, उसको जनपद कल्याणी बोलते हैं। जनपद कल्याणी सबसे सुंदर स्त्री जो होती है उसको मानते हैं, जनपद की कल्याण करने वाली। तो वो उसके पास खबर जाती है कि भाई तेरा नंद जिससे तेरी शादी होने वाली है वो तो पीछे पीछे भगवान बुद्ध के जा रहा है उनका पात्र पकड़कर। तो वो आती है और वो कहती है कि नंद आप जल्दी से, उस समय अय करके बोला जाता था, अय अय आप जल्दी से वापस आइएगा, अय आप जल्दी से वापस आइएगा ऐसा कह के बोला जाता है। मगर भगवान बुद्ध देख नहीं रहे और वो अपनी गति से चलते जा रहे हैं। नंद बड़े पेशोपस में हैं कि भाई को क्या कहें, भाई पीछे मुड़ के देख नहीं रहे, आवाज़ देने का लगता ठीक नहीं है, जहाँ रुकेंगे वहाँ भिक्षा पात्र दे दे दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। मगर वो चलते 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 गाँव की सीमा से यानी कपिल वस्तु की सीमा से पार कर जाते हैं और जहाँ वो ठहरे हुए वहाँ आते हैं, वहाँ वो बैठते हैं, जो भिक्खु आते हैं वो उनका सत्कार करते हैं, उनके लिए जगह छोड़ते हैं और भगवान बुद्ध वहाँ बैठते हैं और बैठते ही वो मुड़ते हैं और नंद से भिक्षा पात्र लेते हुए वो कहते हैं, नंद वज्जा लोगे? ये ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल सटीक और वो भी एक बुद्ध जैसे व्यक्तित्व के द्वारा और वो भी जो बड़े भाई हों। अब नंद के मुंह से निकल गया हाँ, मने कैसे करे, हाँ वो कहते हैं पवज्जा की तैयारी करो, पवज्जा का मतलब भिक्खु बनने की तैयारी करो और वहीं उनको पवज्जा ग्रहण कराते हैं और उनको भिक्खु बना देते हैं। भिक्खु एक अकेला वारिस जो सुद्धोधन का था वो भी चला गया, बुद्ध पहले चले गए, सिद्धार्थ गौतम पहले चले गए, नंद बाद में चला गया, दोनों भाई चले गए। तो नंद बन तो गए मगर नंद तो शादी से उठ के आए थे, शाम को उनकी शादी होने वाली थी, उनके मन में तो शादी के सपने, जनपद कल्याणी के सपने, विवाह का सुख, स्त्री का और जो विवाह का सुख होता है वो उनके मन में छाया हुआ है। उन्होंने भाई होने के नाते कह दिया मगर मन तो लगता नहीं, तो मन ना लगने की वजह से उनसे धम्म नहीं सीखा जा रहा था और विपसना नहीं हो रही थी। ये बात भगवान बुद्ध अच्छी तरह समझते थे क्योंकि वो तो जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, बोधि प्राप्त की, तो बोधि प्राप्त करने में उनको एक दृष्टि आती है जिससे वो सामने वाले का, पारगामी का पूरा पूरा हाल जान लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। नंद की सेहत खराब होने लगी और नंद सेहत से कमजोर होने लगे तो बुद्ध ने कहा कि चलो घूम के आते हैं। घूमते घूमते उन्होंने कुछ वहाँ बंतर बंदरिया देखे तो उन्होंने पूछा कि नंद क्या जनपद कल्याणी जिससे तेरी शादी होने वाली थी क्या वो इससे सुंदर थी? तो उनके मुंह से तबाक से निकला हाँ। उस तबाक से निकलने से भगवान बुद्ध को ये पता चल गया कि इसके मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जिसके मन में जो होता है वो उसका आंसर उसी तरह से देता है। उसके बाद में वो घूमते घूमते कहीं आगे लेके जाते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियाँ होती हैं। नंद उनको स्त्रियों को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि जनपद कल्याणी इन जैसी थी या नहीं। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या जनपद कल्याणी इनसे ज़्यादा सुंदर थी? अब नंद चुप हो जाते हैं क्योंकि वो जो स्त्रियाँ हैं वो जनपद कल्याणी से ज़्यादा सुंदर थी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नंद मैं आपको यहाँ पवज्जा के लिए लेके आया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके मन की इच्छा पूरी करूँ, आप अपना ध्यान लगाइए, आप पूरे ध्यानरत रहिए और मैं आपको जनपद कल्याणी से भी सुंदर स्त्रियाँ आपको दूंगा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो, क्योंकि भाई को साधना है और भाई के मन में कुछ और है तो भाई के मन को मोड़ना है। इस जो आसरा होता है या ये जो बात भगवान बुद्ध ने कही या जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन के साथ ही नंद ने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगाते लगाते अवस्था को पहुंचा तो वहाँ जो और सामने थे और भिक्खु थे वो मजाक उड़ाया करते थे कि नंद तो जो स्त्रियां हैं उनको कमा रहा है, नंद को तो अप्सराओं ने, सुंदरियों ने, स्त्रियों ने खरीद लिया है, नंद तो जो धम्म सीखता है या जो यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो स्त्रियों की वजह से कर रहा है कि उसको स्त्रियाँ मिलेंगी, ऐसा वो सुनते थे। ऐसा सुनते 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 नंद को ध्यान लगने लगा और वो विपसना में रत होने लगे। भगवान बुद्ध सब देख रहे थे और देखते देखते एक दिन वो अर्हत हो गए। जब नंद थेर बन गए और अर्हत हो गए तब नंद को ये पता चला कि भगवान बुद्ध ने मुझे कितना बड़ा कल्याणकारी मार्ग दिया और मुझे विमुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया बिल्कुल, और मैं दुखों से मुक्त हो गया और मेरा उपकार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। भिक्खुओं को ये बात समझ में नहीं आई, सामनेरों को ये बात समझ में नहीं आई कि जो नंद अप्सराओं के लिए विपसना करता था, जो नंद अप्सराओं की वजह से
सुंदर स्त्रियों की वजह से, उनके समागम की वजह से इस लालच में आके साधना करता था, विपसना करता था, वो कैसे अर्थ हो गया, वो कैसे निर्वाण को करीब आ गया। तब भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा, ये दो गाथा है, यमक वक्की गाथा है, एक गाथा है पॉजिटिव, दूसरी उसकी निगेटिव है, दोनों के अर्थ सेम होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यमक वग में एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है, और दोनों का मतलब बिल्कुल एक सा होता है। तो गाथा इस प्रकार है, यथा एगारंग दुच्छनंग, यथा माने जैसे, एगारंग माने घर, और दुच्छनंग माने दू माने बुरी तरह से, और छनंग माने होता है छानना। जैसे आप जानते होंगे पुराने समय में जो झोंपड़ी को छानना बोलते थे, या कहते थे छान हमारी छान दो, या छान हमारी खराब हो गई, यानी जो हमारा छप्पड़ है उसको छान बोलते थे, ये पाली का शब्द है। यथा एगारंग दुच्छनंग, यथा माने जैसे, घर को दुच्छनंग, जो कोई बुरी तरह से छानता है या ढकता है। वुट्ठी समती विज्जती, वुट्ठी जो बोलते हैं वो वृष्टि को बोलते हैं, आसमान से कोई भी चीज़ अगर गिरती है उसको वुट्ठी बोलते हैं पाली के अंदर, चाहे वो ओले हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो आग है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो पत्थर हैं, चाहे धूल हैं। वुट्ठी समती विज्जती, समती विज्जती का मतलब है सीमा को तोड़कर उसमें घुस जाता है, यानी कि जो कोई अपने घर का छान को अच्छी तरह से नहीं छानता है, ऊपर से गिरने वाला पानी या वर्षा ओले उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। एवं अभावितं चित्तं रागो समती विज्जति, इसी प्रकार से अगर कोई अभावितं, अभावितं का मतलब भावित माने अच्छी तरह से संभाल के करना या ठीक करना, अभावितं का मतलब है अभ्यास साधना को अच्छी तरह से करना जो भी है, और अभावितं का मतलब है कि अगर कोई इसको अच्छी तरह से साधना से नहीं करता है, तो उसी प्रकार अभावितं चित्तं, अगर कोई अपना चित्त है, अपना मन है, अगर उसको अच्छी तरह से नहीं साधता है, रागो समती विज्जति, तो राग उसके मन में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो दूसरा इसी में कहते हैं, यथा एगारंग सुच्छनंग, यानी कि जो जिस प्रकार कोई अच्छी तरह से अपने घर को सुच्छनंग माने हैं, सुच्छनंग, सु माने अच्छा, छनंग माने छान को छानना, अपने झोंपड़ी को या छान को या छप्पड़ को अच्छी तरह से बनाता है। वुट्ठी ने समती विज्जति, उसके घर में वुट्ठी ने यानी कोई भी गिरने वाली चीज़ ने समती विज्जति, समती माने सीमा को तोड़कर प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे एवं सुभावितं चित्तं, जैसे सुभावितं जो होता है अच्छी तरह से भावित जो चित्त होता है, जो अच्छी तरह से साधना किया हुआ मन होता है, रागो ने समती विज्जति, राग ने समती विज्जति, राग उसमें सीमा तोड़कर प्रवेश नहीं करता है। ये भगवान बुद्ध ने दो गाथाएं कहीं, ये गाथाएं इसलिए कहीं क्योंकि उन्होंने बताया कि इसका जो मन था नंद का, वो पहले से अच्छी तरह से भावित नहीं था, चित्त भावित नहीं था, इसलिए ये इधर उधर भागता था और इसके मन में राग द्वेष प्रवेश करते थे। मगर अब अपने इसने अपने चित्त को, अपने मन को अच्छी तरह से ढक लिया है और ये समझ गया है, इसलिए ये इसमें कामयाब हो गया। ये गाथा नंबर है 13 और 14। धन्यवाद।